स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद ले रही है। गंगाधर जी भी हमारा स्वामी जी का आशीर्वाद ले रहे। स्वामी जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारा जीवन रेड्डी भी है, कानपुर का MLA, वो भी स्वामी जी का आशीर्वाद ले रही है। ఇంత పొద్దున్నే మొత్తం నిజామాబాద్ అంతా కూడా మరి ఇక్కడికి వచ్చి ఒక మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి నిజామాబాద్ నిర్మాణం కోసం ఇక్కడికి రావడం, మీ అందరి మధ్యలో స్వామీజీ గారి ఆశీర్వాదంతో ఇంత మంచి కార్యక్రమం జరగడం చాలా సంతోషం। जब हम हरिद्वार गए थे और स्वामी जी से भी विनती किए थे कि आप जरूर एक बार निजामाबाद पधारिए, आपने कहा था अप्रैल में आएंगे और आपने आपका वादा बखूबी निभाया और आप अप्रैल में आ भी गए, तो आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ स्वामी जी, और बहुत बहुत आपका स्वागत है निजामाबाद में। और निजामाबाद की जनता तो वैसे बहुत अच्छे है, बहुत जागरूक है, और आपके आने से और भी आगे बढ़ के उनके जीवन में उनके लाइफस्टाइल में बहुत अच्छा चेंज आएगा ऐसा मैं जरूर मानती हूँ। मन मनसुलोको ఉండేటటువంటి శాంతి దాని మన ముందు తెలుసుకొని దాని బయట ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తేనే విశ్వశాంతి అవుతుంది, అంతకు మించి ఇంకొకటి ఏం లేదు। మరి అటువంటి శాంతిని మనల్ని మనం పరిచయం చేసేటటువంటి ఈ అద్భుత కార్యక్రమానికి బాబా రామ్దేవ్ గారు శ్రీకారం చుట్టడం, ఇక్కడికి రావడం, వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు। థ్యాంక్ యూ, జై తెలంగాణ। MLA साहब को, मेयर जी को, दोनों को बहुत बहुत अभिनंदन। ये योगा हमारा निजामाबाद का जो किसान है उनकी जो कृषि है उनकी वेल्थ के बारे में भी सोचो तो वो इस आपके जनपद की एक बहुत ही जागरूक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इसके लिए भी इनका बहुत बहुत अभिनंदन। आशीर्वाद तो इंत मंची कार्यक्रम जरगडम चाला संतोषम। जब हम हरिद्वार गए थे और स्वामी जी से भी विनती किए थे कि आप जरूर एक बार निजामाबाद पधारिए, आपने कहा था अप्रैल में आएंगे और आपने आपका वादा बखूबी निभाया और आप अप्रैल में आ भी गए, तो आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ स्वामी जी, और बहुत बहुत आपका स्वागत है निजामाबाद में। और निजामाबाद की जनता तो वैसे बहुत अच्छे है, बहुत जागरूक है, और आपके आने से और भी आगे बढ़ के उनके जीवन में उनके लाइफस्टाइल में बहुत अच्छा चेंज आएगा ऐसा मैं जरूर मानती हूँ। मन मनसुलोको ఉండేటటువంటి శాంతి దాని మన ముందు తెలుసుకొని దాని బయట ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తేనే విశ్వశాంతి అవుతుంది, అంతకు మించి ఇంకొకటి ఏం లేదు। మరి అటువంటి శాంతిని మనల్ని మనం పరిచయం చేసేటటువంటి ఈ అద్భుత కార్యక్రమానికి బాబా రామ్దేవ్ గారు శ్రీకారం చుట్టడం, ఇక్కడికి రావడం, వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు। థ్యాంక్ యూ, జై తెలంగాణ। ఆయోజన్ కి पीछे जिन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया है हमारे राज्य प्रभारी राजा भाई श्रीधर राव जी, स्वयं मंजूश्री जी, एक बार इनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है जो बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं इस अनुष्ठान में। भाई मंजूश्री जी, भाई डॉक्टर जयदीप पारी जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं और पूरा लाइफ इस अनुष्ठान के लिए डेडिकेट किया हुआ है, सभी हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत प्रसाद किया है, म्यूनिसिपल चेयरमैन है हमारे साथ, उनको बहुत आशीर्वाद है। और इस हमारे शिविर के जो मुख्य आयोजक हैं आदरणीय श्री पवन कुमार केड़िया जी, एक बार उनके लिए भी सबकी ओर से जोरदार अभिनंदन। एक शिविर के लिए इतनी बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं,
5 बजे का समय होता है शिविर का, हम 4:45 को प्रारंभ कर देते हैं। कुछ लोग 5:30 बजे तक भी आएंगे जिनको नहीं पता है। कुछ लोग सोचते हैं 5 बजे का समय दिया है तो 5:30 तो शुरू होता ही होगा, लेकिन हम राइट टाइम माने बिफोर टाइम शुरू करते हैं। कुछ भाई आ चुके हैं, कुछ आएंगे, हम सब मिलकर के योग के अनुष्ठान को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार पुनः सभी आयोजकों का, भाई पवन जी के साथ साथ कैलाश जी, धनपाल जी, सत्यनारायण जी और पुलिगम जी आदि सभी का, और हमारे मीडिया के बंधुओं ने भी यहाँ शिविर में, शिविर से पहले इस योग को जन आंदोलन बनाने के लिए योग के संदर्भ में खूब जन चेतना यहाँ पर जगाई, उसके लिए मीडिया के बंधुओं का भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी भी ये भी शायद इनके लाइफ में पहली बार होगा कि किसी कार्यक्रम को कवर करने के लिए ये 5 बजे से पहले यहाँ पर आए। तो हमारे किनाड़ू, साक्षी, आंध्र ज्योति, नमस्ते तेलंगाना, मन तेलंगाना, आंध्र प्रभा, हिंदी मिलाप, स्वतंत्र वार्ता, नव भारत, सूर्य, नव तेलंगाना, मनम तेलंगाना, प्रजाशक्ति, गोदावरी, जनशक्ति, वार्ता, निजामाबाद, हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया और दक्कन करानिकर और जितने हमारे न्यूज चैनल हैं यहाँ के, यहाँ TV9, TV5 से लेकर के K6, KSI, X6, ETV और NTV, साक्षी, ABN, जेमिनी न्यूज, टी न्यूज, स्टूडियो एन, राजा न्यूज, SMTV, महान्यूज, 10TV, CVR, V6, स्नेहा TV आदि जितने भी यहाँ के, 99TV, अमाजा TV, GPTL और समस्त यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भाइयों के लिए अभिनंदन है। मैंने इसलिए इन बातों को कहा कि शिविर के पहले बहुत तैयारी करते हैं और उसमें सबकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और आप सब यहाँ इतनी भोर में उठ के आए हैं। अब आपको योग विद्या में पूरी दीक्षा देते हैं, सीधे बैठ जाएंगे योग का क्रियात्मक प्रैक्टिकल अभ्यास करने के लिए। लंबे गहरे श्वास भर के पावन ओंकार के उद्घोष के साथ योग का प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को एक मुद्रा विशेष में, ध्यान मुद्रा,
वायु मुद्रा, शन्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण शक्ति, अपान मुद्रा आदि एक मुद्रा में रख लेंगे। ये पांच अंगुलियां ब्रह्मांड के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि तत्व का, फायर का, तर्जनी वायु तत्व का, एयर का, मध्यमा आकाश तत्व का, अनामिका पृथ्वी तत्व का, कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। फाइव एलिमेंट से ये बॉडी फॉर्म होता है एंड फाइव एलिमेंट्स एवरीवेयर इक्वल इन बॉडी और यूनिवर्स। पंच तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अष्ट चक्र, नव द्वार, 72 करोड़ 72 लाख, 10,201 नाड़ियां, एक एक सेल उसके जीन्स क्रोमोसोम से लेकर के उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन और उससे बनने वाला एक पूरा सिस्टम, पूरी एक्सिस्टेंस, इसमें ये जो पांच मूलभूत तत्व हैं इनकी बड़ी भूमिका है। इसको मुद्राओं से नियंत्रित करते हैं, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति, अपान मुद्रा, आरोग्य के लिए बहुत जरूरी, ध्यान मुद्रा एकाग्रता के लिए, वायु मुद्रा आर्थराइटिस के लिए, शून्य मुद्रा कर्ण रोगों के लिए, पृथ्वी मुद्रा ओवरवेट अंडरवेट के लिए, वरुण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए, शक्ति मुद्रा वीकनेस के लिए, और अपान मुद्रा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, बात नेगेटिव एनर्जी टॉक्सिन्स ऑफ डेथ समय बॉडी में है उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए ये अपान मुद्रा, नेगेटिव एनर्जी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को रिलीज करेंगे। आईपेन जब आईपेन टू में ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, ध्यान मुद्रा, आना कोई समस्या नहीं, वायु मुद्रा आफ्टर 40 इज ये वायु मुद्रा करनी चाहिए, कहीं पर भी बॉडी में पेन नहीं होगा, आर्थराइटिस नहीं होगा, मसल्स आपके अच्छे रहेंगे। ऐसे वायु मुद्रा में बैठिए, लंबा गहरा श्वास लेना, बाहर छोड़ना, 2.5 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड ब्रीथ इन में, 5 सेकेंड ब्रीथ आउट, 2.5 से 5 सेकेंड में श्वास को लेना और छोड़ना। If you are suffering from hypertension, heart problem, hernia, backache or any type of weakness, so you do this breathing exercise slowly. This Bhastrika breathing forcefully, like this. और ज्यादा यंग है, स्पीड कंफर्ट और कन्वीनियंस ये तो यंगस्टर्स के स्लोगन होते हैं। आप यंग हैं तो आप से फोर्सफुली कर मैं ऐसे 500 टाइम्स ऐसे फोर्सफुली करता हूं तो मुझ में इतनी एनर्जी आ जाती है कि मुझको कभी सर्दी नहीं लगती। नवंबर दिसंबर में हम हिमालय में रहते हैं तो वहां पर भी हमको गर्म कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही रहते हैं। और गर्मी में गर्मी नहीं लगती, सर्दी में सर्दी नहीं लगती और कोई बीमारी नहीं लगती, आपकी इम्यूनिटी यदि स्ट्रॉन्ग है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो इतना पोल्यूशन है, इतनी बैक्टीरियल वायरल बीमारियां हो रही हैं, इतने इन्फेक्शन हैं, फूड पॉइजनिंग से लेकर के फूड से इन्फेक्शन और तमाम तरह की चीजें, एयर वाटर सोयल everything is polluted, grains, vegetables, fruits, milk, सब पॉल्यूशन से पॉल्यूटेड है,
एडल्टेशन है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, जेनेटिक डिजीज है, एनवायरमेंटल डिजीज है, बैक्टीरियल वायरल डिजीज है, गलत हैबिट्स के कारण से कोई डिजीज हुई आपको, स्ट्रेस एंड लास्ट डिजीज है, एक के बाद दूसरा डिजीज, डिजीज के कॉम्प्लिकेशन, फिर उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट, एक बहुत गलत चक्र व्यू चालू हो जाता है, ये प्राणायाम आपको सभी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए तो भस्ते का करना 5 मिनट्स, 2-3 मिनट से स्टार्ट करके ऐसे 5 मिनट्स, करो सब मेरे साथ, 1 मिनट करो जरा, जो यंग है हमने, डॉक्टरों की, वैद्यों की, हकीमों की,
न जाने तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में कहां कहां मत्था टिकाया, क्या क्या नहीं किया दुखों से उभरने के लिए। योग समाधान है रोग का, योग समाधान है सब दुखों से मुक्ति का, रोग मुक्ति, दुख मुक्ति, व्यसन मुक्ति, तनाव से मुक्ति, डिजीज फ्री, पेन फ्री, ड्रग फ्री, वायलेंस फ्री, किसी भी प्रकार की प्योरिटी है लाइफ में, सारी अशुद्धि को दूर कर देता तथा क्षेत्र प्रकाश श्रवण लय के साथ करना 5 मिनट तक। देखो हमने कपालभाति से 100 से ज्यादा बीमारियां मिटाई है। This one kapalbhati is solution of 100 types of disease, infertility से लेकर के uterus, ovary, prostate की problem से लेकर के uterus में fibroids, ovary में cyst, polycystic ovaries, ovum नहीं बनना, sperm नहीं बनना, prostate का बढ़ना, liver, fatty liver की problem, liver spleen की problem, intestine में colitis, digestion, constipation, bile spasm, fistula, हाँ, किसी भी प्रकार के nutrients, micronutrients की कमी, vitamin D की कमी, vitamin B12 की deficiency, deficiency of vitamin का imbalance दूर होता है। लय के साथ continue करना कपालभाति, सभी प्रकार का असंतुलन body से लेकर के soul से लेकर के thoughts, emotions, actions से लेकर के कहीं पर भी लाइफ में बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, कोई शक्ति अंदर से डिजनरेट हो चुकी है तो सेल, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, डिजनरेटिव सेल्स, उससे डिजीज होती है, दूर रीजनरेट हो जाते हैं, हमारी शक्ति एलिवेटेड सेल इन अवर एक्सिस्टेंस, असीम ज्ञान अपार तथा अनंत प्रेम, अनंत सामर्थ्य, असीम सामर्थ्य हमारे भीतर हो, योग से जागृत हो जाते और सब लोगों से हम एक साथ मुक्त हो जाते हैं। एक सूत्र है सर्व रोग मुक्ति का, लय के साथ करना, बस कंटिन्यू 5-10 मिनट्स कंटिन्यू कीजिए, ध्यान लग जाएगा शून्य में, समाधि में, अपने स्वरूप में ठहर जाएगा। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, देश बंधन से तस्य धारणा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शनिव समाधि त्रनेक तत्र सेवा तस्य आत्मज्ञानोदय तस्य भूमिश विनियो। लगातार करना धारणा, ध्यान, समाधि, संयम से लेकर के संपूर्ण समाधान, कंप्लीट सॉल्यूशन। योग इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन, पेन फ्री, स्ट्रेस फ्री, प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, सक्सेस सब कुछ योग से विश्वास।
महापुरुष होने की जैसे पिंड में ब्रह्मांड को समाने की प्रक्रिया योग यहां से थायराइड योग यहां से स्टमक इधर से गला पहले दूसरे गुली के नीचे यहां से आंख ठीक होती जिनको आईज का प्रॉब्लम है अब इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएंगे प्राणायाम करेंगे और ये पॉइंट दबाएंगे जिनको आंखें कमजोर हो जाते दुखेगा दर्द होगा रोज ये दबा लेना आंखों की कोई भी रोशनी दोबारा से ग्लासेस थोड़ा दृष्टि आईब्रो ले लेना पतंजलि का एक एक बोन दोनों आंख में डालना
आंवले का जूस पी लेना, ये प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, और यंत्रास है तो सर्वांगासन भी और यह शीर्षासन भी कर लेना, 100% आइस की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है 100%। देखो मेरे पास कोई डॉक्टरी की डिग्री नहीं है, मैं डॉक्टर की डिग्री देता हूँ वैसे मैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ, हम लोग डॉक्टरी की एमडी की भी डिग्री देते, हम तो गुरु शिष्य परंपरा से पढ़े हुए ऋषि परंपरा के व्यक्ति है ना, पहले दूसरे उंगली के नीचे, हम आंख के भी डॉक्टर तैयार करते हैं, हम लीवर किडनी हार्ट के अलग अलग तरह के डॉक्टर तैयार करते हैं, आयुर्वेद में भी एलोपैथी में भी होते हैं। आजकल आंख का डॉक्टर अलग है, लीवर किडनी का, हार्ट का, डायबिटीज का, कैंसर का अलग अलग डॉक्टर है, ये योग और आयुर्वेद और ये जो नेचुरल चीजें है ना, ये एक में ही सब समाधान। हाँ नहीं तो हार्ट, मैंने हार्ट के जो इंजेक्शन फैक्शन कम हो जाता है, हार्ट के आर्टरी सिकुड़ जाती है, ब्लॉकेज आ जाता है, हार्ट अटैक से लेकर 80-90% ब्लॉकेज हो गए थे, प्राणायाम कराया, लौकी का जूस पिलाया, हरदामृत अर्जुन का छाल का पिलाया, और हार्ट डिजीज से मैंने लोगों को बचाया, मैंने लाखों लोगों को हार्ट के ऑपरेशन से, लाखों लोगों को लिवर किडनी के ऑपरेशन से, कई तरह की गांठें हो जाती है, सिस्ट हो जाती है, उससे बचाया ऑपरेशन से। ये हार्ट का पॉइंट है, पहले ये लास्ट किया, उसके नीचे शुगर का पॉइंट है, ये डायबिटीज के लिए, ऐसे 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 दबा ना बस, ये उसके डायबिटीज के लिए लेना। अब डायबिटीज होने वाली है, अभी रसगुल्ला जलेबी लड्डू बंद होने वाला है, यहाँ से दुखे जब बंद हो जाता है ना, तो पहले दिन तो नींद भी नहीं आती, अरे राम अब तो लड्डू बंद, अब मोदक नहीं मिलेगा, तो सोल्यूशन भी हो जाएगा। ये अर्ली डायग्नोसिस का, 5 years अर्ली डायग्नोसिस का ये तरीका है, यहाँ से दबाओ दुखे तो समझ लेना डायबिटीज होने वाली है, और दबाते रहो तो मिट जाएगी, सॉल्यूशन भी डायग्नोस एंड सॉल्यूशन, ये दुखा हमारा गड़बड़ हो रहा है, ये दुखे तो इसका मतलब पेनक्रियास के ऊपर प्रेशर आ रहा है, एक तो स्ट्रेस से प्रेशर आता है, दूसरा खाने पीने से, ये फिर हथेली के बीच में किडनी के लिए, ये किडनी के लिए, ये थायराइड के लिए, फिर ये स्ट्रेस के लिए, साइनस और स्ट्रेस, ये सभी, और पीछे से सारे पेन दूर होते हैं, ये सब यहाँ भी, हम रिंग फिंगर के पीछे भी इधर से जब बहुत ज्यादा दर्द हो यहाँ दबा देते, 1 मिनट में पेन दूर हो जाते, 1 मिनट पीछे से, ये अच्छा बात है। इसलिए इसमें अंगूठी पहन, ये अंगूठी पहनना, कान बिंदवाना, नाक बिंदवाना, जोर से ताली बजाते, ये 1 ही मिनट में पूरी एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर, अंदर देखो, अंदर से मूलाधार से सस्त्रार अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पुरयुत्या तस्याम हिरण्याकोशः स्वर्गो ज्योतिषामृतम्। एक बार की अयोध्या, एक बार का काश, अंदर की अयोध्या, ये अयोध्या है, इसमें रहने वाला हर एक आत्मा राम है, हम ही राम है, हम ही हनुमान है, हम ही घनश्याम है, हम ही शिव है, हमारे भीतर ही सब पैगंबर है, हमारे भीतर ही सारे भगवान है, सारे देवी देवता है। ये योग से और जो मैं बात कह रहा हूं इसका प्रूफ क्या है, बिना एविडेंस बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं कहता, जो मैंने कहा ना कि योग से डायबिटीज क्योर होता है, तो मैंने डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया है, मैंने लोगों का बीपी क्योर किया है, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर की है, कैंसर SLMS ऑटोइम्यून डिजीज क्योर किया, मैंने लीवर किडनी के ऑपरेशन से लोगों को बचाया है, और मैंने उन सब रोगों को मिटाया है, मोटापा तो मैंने थोक में कम किया है, देश के लोगों का मैंने हजारों नहीं लाखों ने करोड़ों किलो वजन कम किया है, योग करोड़ों किलो, तो हम जो मैं कहता हूँ उसका पूरा साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है, उसके बिना कोई बात नहीं कहता। इससे जो ना आप से थोड़ी देर परीक्षा कर लेते हैं, कानों के सामने खोल लो, ये सूक्ष्म मैन भी हो जाएगा, उंगलियों का अंगूठों का ऐसे दबा लेंगे, थोड़े पंजे को दबा लेंगे, ऐसे 8-10 बार गोल घुमाएंगे। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं तो जिन्होंने योग करके अपना वेट कम किया वो हाथ उठाओ, जिन्होंने वेट रिड्यूस किया हाथ हिलाओ, जरा वेट रिड्यूस किया,
इसके तो हजारों एग्जाम्पल तो यही है, यू आर एग्जाम्पल, यू आर प्रूफ, यू आर एविडेंस। मैंने तो ध्यान ही नहीं था इसको, कभी पूछा ही नहीं, 24 केजी कम किया है। 10, 15, 20, 30 बीपी क्यों हो जाता है, शुगर, और भी बड़ी बीमारी भी, गोरकुमारी कंटिन्यू करने से पूरा चेंज हो जाता है, बीमारी एकदम होती भी नहीं है, थोड़ा समय लगता है जाने में, कंटिन्यू करते हो पूरा नंबर ऐसे तो सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे। किसी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी सोल्व हुआ है, छोटा तो होता ही होता है, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर किडनी, छोटी तो मिटती ही मिटती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यदि किसी की सोल होती है तो उसको भी हम शिविर में पूछते हैं, उससे दूसरों को इंस्पिरेशन मिलता है, दोनों पैरों को ऐसे खोल लो, बिल्कुल इजी है, कोई भी कर सकता है, पैरों को थोड़ा खोलना, पैरों में थोड़ा डिस्टेंस कर दे तो इसके एकदम रिलैक्स हो जाता है, तुम्हारा रोग मिटता है, तो एविडेंस के साथ बोल, सामान्य प्रॉब्लम तो दूर होता ही होता है, क्या दूर होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, योग करके हीमोग्लोबिन कितने लोगों ने बढ़ाया, जरा हाथ उठाना, ये तो इस भाई से तो पूछ लगा खड़ा हूं, ये तो कई चीज ठीक करके बैठा है, इसका बीपी भी ठीक हुआ है, हीमोग्लोबिन भी ठीक हुआ है, खड़े हो जाओ, हाँ पूरा कंट्रोल में, डायबिटीज पूरा कंट्रोल, और कॉन्स्टिपेशन हो पूरा कंट्रोल, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक, और हीमोग्लोबिन आदि सब चेक किया, हीमोग्लोबिन 15 और 16 से 15-16 हो गया, क्या बात, पहले कितना था, पहले 11-12 था, हीमोग्लोबिन अच्छा हो गया, जो बढ़ना तो बढ़ गया, बीपी घट गया, बीपी का टेबलेट बंद, शुगर का टेबलेट बंद, सब कुछ कंट्रोल, और अब 4 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या करते हो विनोद जी प्रोफेशन में, गवर्नमेंट टीचर है, तो अपने स्कूल में बच्चों को भी सिखाते हो, हाँ सिखाता हूँ, बोलता हूँ, मगर ज्यादातर ध्यान नहीं देते देखो अभी खुद ठीक हो गया तो दूसरों को एग्जाम्पल भी देता है हमारा विनोद, कि भाई देखो मैंने अपने आप को अच्छा कर लिया योग से, तो मैंने देखा ये कोई भी बीमारी हो यहाँ खड़ा कर रहा है, तो क्या क्या फायदा हुआ, इसको पहली बार सीढ़ी में आके बोल रहा, इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, ऐसे देखो गोल गोल घुमाओ ऐसे दोनों हाथ कंधों के ऊपर ऐसे, कितना सिंपल और बहुत अच्छी एक्सरसाइज, ये प्राणायाम और ये लाइट एक्सरसाइज ही करने का, इसी से तुम्हारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा लाइफ का, एक योग सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, ये विनोद इज फॉर एग्जांपल, ऐसे ही किसी का बड़ा बीमारी और किसका ठीक हुआ है, 2-3 बीमारी ठीक कर लिया, उधर इसके विनोद के बराबर में आ गया, खड़ा बोल, क्या नाम है, नरेंद्र, क्या प्रॉब्लम था, थोड़ा चेस्ट प्रॉब्लम था, अच्छा डेली 10 टैबलेट्स यूज करता, 10 टैबलेट्स, ओ मैं योगा स्टार्ट करके मेरा एवरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्या क्या सॉल्व हुआ बोलो जरा, स्ट्रेस दूर हो गया, मैं 15 साल से करा साहब, बीच में बंद करा, और एक 6 महीने से फिर स्टार्ट कर, अब दोबारा से स्टार्ट कर दिया, योग तो जीवन पद्धति है, इसको डेली करना, नरेंद्र को बहुत बहुत आशीर्वाद, हम कोई गोली दवाई सब बंद हो, कुछ भी नहीं सब, कुछ नहीं, दोनों हाथ कंट्रोल कर लो, ये सूक्ष्म है, बहुत आशीर्वाद, पीछे से दौड़ गया ऐसे पूछो बाबा जी, मैं आदिलाबाद का हूँ बाबा जी, मेरे को आदिलाबाद से आए, किडनी में स्टोन हुआ 70 mm, तो मैं बाबा जी त्रयोदशांगवटी अस्मितहर रस और पीड़ांतकवटी गोलियां खा के मयूरी आसन और प्राणायाम किया, और ये मयूर आसन तो कठिन वाला भी किया, वो बाबा जी किडनी स्टोन निकाल दिया, मैं तो कपाल भाती कम से कम आधा घंटा करता था बाबा जी, अच्छा मैं नौली क्रिया भी करता हूँ बाबा जी, अच्छा इधर ऊपर ही आ जाए, इसको तो देखना पड़ेगा, ये लड़का आदिलाबाद से आया है कि मुझे अपने गुरु के पास जाने, मेरे गुरु ने मेरे को जीवन दे दिया, योग ने जीवन दे दिया, कौन कौन हुआ दोनों,
ऐसे तो छोटे छोटे बच्चे करते थे, बड़े बड़े बच्चे भी अब नोली क्लियर करने में बहुत ज्यादा गोली का बैलेंस लिया। ये पहले तो मयूरासन करके बता रहा था, पद्मासन में मयूरासन करके लिखा। क्या नाम है तेरा? धर्मा राव। चल तेरे को बहुत बहुत आशीर्वाद आशा किया। अब इसने सब ठीक कर लिया और अब ये सबको योग कराता है। ऐसे करना आपको, कुछ करना और उनको कराना है तो रोग मुक्त हो। ये नौली क्रिया में तो थोड़ा समय लगता है कि पूरा गोल घुमाओगे तो पहले तो पूरा ट्रैफिक जाम है। ऐसे घूमे कैसे? कुछ चारों तरफ से पहले हीरे नहीं तो अब हम लोग तो क्या करते, बीच में से निकाल लेते। ये तो हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये भी घुमाता है बात। अच्छा तो छोटे छोटे नहीं, हम तो बड़े बड़े भी योग करने लगे। क्या नाम है? सिद्ध हो गया। इतना भी कर लोगे ना? फिर अगली साल कोई भी थ्रॉट इन्फेक्शन उसके लिए गले को टाइट करो, ब्रेथ को इनहेल करो। गले को टाइट करके ब्रेथ को इनहेल करते हैं और भर के थोड़ी देर रोक के रखते हैं। राइट को बंद करके लेफ्ट से
ये 5 times 7 times कर लेना, थायराइड क्योर हो जाता है। गले को कॉन्टैक्ट करके ब्रेथ को इनहेल करते हुए साउंड करते हैं, करेंगे। आपको 3 दिन में पूरी योग की पद्धति सिखाएंगे, कंप्लीट योग प्रैक्टिस करवाएंगे, बेसिक योग प्रैक्टिस, एडवांस योग प्रैक्टिस सब करवाएंगे। आज पहला दिन है, पहले दिन भी आप बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, सुबह लोग 4 बजे उठने की आदत खत्म हो गई, आप उठ के आए, आप बहुत अच्छे, अपने लिए ताली बजाओ, आप बहुत अच्छे हैं, अपने बारे में अच्छा सोचा करो, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं भगवान के सबसे प्रिय हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुखी हूं। अपने बारे में अच्छा सोचने से हम अच्छा बनते हैं, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे हमारी वाणी, व्यवहार, आहार, स्वभाव, संस्कार, पूरा जीवन होता है। आप जल्दी उठे आए, जो आज नहीं आए उनको कल ले आएंगे, पीछे कुछ भाई थोड़ा देर से आ रहे हैं तो उनको पीछे बैठा देंगे, बहुत जगह अभी हमारे पास, कल और को भी बताएंगे। सबको योगी बनाना है, दाएं हाथ उठाना है, रेज योर राइट हैंड एंड क्लोज राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट थंब, ऐसे देखो ये वायु मुद्रा, लेफ्ट से ब्रेथ को इनहेल करना, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल करो, लेफ्ट से एक्सहेल। ये स्ट्रेस का सॉल्यूशन है, टेंशन का, माइग्रेन पेन, यूरो प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स का, आईज की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्रस्वर, राइट सूर्यस्वर, वायु गंगा लाइए उन्हें बीच में सर से, कंटिन्यूअसली ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग। और एक इसका एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज, बीच में होता है तो लोग ज्यादा आते हैं पैदल चल के, या थोड़ा आपको गाड़ी से आना पड़ता है, व्हीकल से आना पड़ता है। शहर के, इंदौर शहर के निजामाबाद के साइड में होते हुए भी आप इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन ये योग करने का राइट प्लेस, चारों तरफ से गुरु सानिध्य में विधि पूर्वक योग करने से पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता है। नॉर्मल कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में, सेल्फ कॉन्शियस में, सुपर सेल्फ कॉन्शियस में, उच्च चेतना, दिव्य चेतना, आत्म चेतना, परमात्मा चेतना में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इतना भी तो जीना है, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, आत्म चेतना में जीना है, गुरु चेतना, ऋषि चेतना में जीना, भागवत चेतना में। गुरुओं के सारे लगातार करना, ये प्राणायाम करें, मुझको जमी आसमान मिले, गुरु क्या मिले, भगवान मिले, नर से हम खुद नारायण हो जाते हैं, जीव से हम खुद ब्रह्म हो जाते हैं, गुरु के सानिध्य में आकर के खुद हम गुरु जैसे हो जाते हैं, गुरु जैसे, ऋषियों जैसे, भगवान जैसे, यही हमारे जीवन का गंतव्य है। नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होना, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष।
प्रोग्राम ही एलआई के साथ करना मुझको जमीन आसमान मिल गए गुरु क्या मिले भगवान मिल गए मुझको जमीन आसमान मिल गए गुरु क्या मिले दिमाग कहता है कम खा, दूसरा दिमाग कहता है मजा पूरा ले ले। लेकिन आपको ये दोनों दिमागों में बैलेंस करना पड़ेगा। ये दो मन दो दिमाग, दूसरा दिमाग कहता है कभी ना कभी फंसेगा, पकड़ा जाएगा, मान जा, जेल में जाएगा, बदनाम हो जाएगा। बेईमानी बहुत तरह की है, नाइंसाफी करते हैं, इनजस्टिस करते हैं। ये दोनों दिमाग ठीक रहने चाहिए तो फिर आदमी में गलत नहीं रहता, नेगेटिव पॉजिटिव में से फिर वो सही रास्ता निकाल लेता है।
अनुलोम विलोम हमारे दिमाग को ठीक करता है। रिसर्च हमने किया और स्ट्रेस को दूर कर देता, बीपी को क्योर कर देता, नींद अच्छी आती, पॉजिटिव विचार है। देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, स्कूल में पढ़ा, बाद में गुरुकुल में पढ़ा, कभी जिंदगी में नेगेटिव सोचा ही नहीं। मैं बोलता हूँ ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना। और यही कारण है यदि मैं योग नहीं करता, पॉजिटिव नहीं सोचता तो मैं भी आज गांव में कोई खेती बाड़ी करता कोई बुरा काम नहीं है। आज भी खेती भी करता हूँ लेकिन उससे ज्यादा भी बड़ा काम करता हूँ, मनुष्यों की खेती कर रहा हूँ। यदि मैं गांव में रहता तो शायद खुद बेरोजगार हो, 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा है, और विदेशी कंपनियां जो करीब 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर उनका कब्जा है। अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं और 2025 तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पतंजलि कंपनी होगी जो दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड होगा। और अपने लिए कुछ नहीं, पतंजलि को 100% प्रॉफिट देश के लिए, चैरिटी के लिए, कोई डिविडेंड नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई पर्सनल वेल्थ, नो पर्सनल प्रॉस्पेरिटी, 100% ट्रांसपेरिटी फॉर चैरिटी, ये हमारा सिद्धांत है स्वदेश, ये है सिद्धांत। एवरीथिंग फॉर वाइफ, इस संकल्प के साथ हम लोग काम करते हैं। लोग कहते हैं अरे ये कॉलगेट, ये रेफ्रिजरेंट, ये क्लोजअप, क्लोजअप क्लोज हो गया है, इसको लूटा कि नहीं लूटा बोलो, लूटा। पहला आजादी का संग्राम हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किया था, कोई मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ नहीं किया था। मेरे प्रेम करने वाली भी बोल, लेकिन मैं घबराता हूं, मैं कहता हूं दुनिया का मालिक किसी एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम से, अमेरिका की भी प्रेसिडेंट से ज्यादा पावरफुल है तो भगवान है, और वो मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं की बात। जब भगवान मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, दुनिया का सबसे बड़ा मालिक मैं बेटा हूँ, आप सभी भगवान के बेटे बेटियां। सुनो मैं कह रहा था प्राणायाम से ना ये बीपी, ये माइग्रेन पेन, ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, इंसोम्निया, ये सब दूर होता है, नेगेटिव थॉट्स। आओ अब आपको अंदर ले चलने वाली पूरा लाइफ जी, कान भी अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ऐसे 5 बार करना, इससे स्ट्रेस एकदम गायब हो जाएगा, बीपी एकदम नॉर्मल हो जाएगा,
complete silence. Keep your head and speak. Close your eyes. Concentrate on your breath. एकाकार हो जाते हैं ये ध्यान दोनों हाथों को ऊपर उठाना आपस में करना ये ओंकार पहल से लेकर के और पीस तक शांत शक्ति समाधान जबरदस्त ये इतना एक चैप्टर हुआ कि क्रम में पैरों के एक बार सामने खोल लीजिए देखो योगिक एक्सरसाइज योगिक आसन योगिक प्राणायाम ध्यान योग तो बहुत बड़ा जीवन दर्शन है योग एक्सरसाइज भी योग इज नॉट मेरली फिजिकल एक्सरसाइज केवल व्यायाम नहीं है व्यायाम भी योग 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 और लाइफ इज योग सारा जीवन ही योग है सुबह सुबह योग कर लेना तो पूरा जीवन ही योगमय बन जाएगा ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग अष्टांग योग हठ योग सब कुछ सिद्ध हो जाएगा सुबह सुबह योग तो पूरा जीवन योगमय कर्म योगमय थोड़ा कर्म को रिलैक्स करके थोड़ा बहुत ट्राई करके और तैयार कर देते हैं अब आपको आगे योग कराने के लिए एक एक मानव में अपरिमित शक्ति है आज आपको 100 से ज्यादा योग की क्रियाएं करवाएंगे हाँ पूरा योगी बना के भेजना है थोड़ा थोड़ा आज कराएंगे फिर 3 दिन में तो पूरा योगी बना देंगे पीछे अंगूठा और सामने से पूरा पेट पकड़ में आ जाए कैसे आया कविता जी ने एक बार ट्राई किया फिर छोड़ ही दिया कि स्वामी जी अभी तो एक आधा फीट पड़ा है देखो एक दूसरा इसका मेजरमेंट इसको बोलते हैं BMI बॉडी मास इंडेक्स कैसा होना चाहिए तो ऐसे बैठो पद्मासन में बोले बाबा जी लगेगा ही इसमें बैठ के और पीछे से ऐसे पकड़ो बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा ऐसे पकड़ो चलो खड़े हो जाओ कंट्रोल में लाते हैं सब खड़े हो जाओ अब बॉडी भी कंट्रोल में रहेगी सबको बॉडी शेप में चाहिए एनर्जेटिक बॉडी चाहिए तो एनर्जेटिक बॉडी के लिए क्या क्या करना है बॉडी को शेप में लाने के लिए एक्सरसाइज 20 मिनट का लेकिन पहले बॉडी की तैयारी कर लेते हैं मैं सीधे दोनों हाथ साइड से दोनों हाथ सिर के ऊपर रख दीजिए ऐसे आंखें बिल्कुल रोक कर के सिर के ऊपर रखना दोनों हाथ ऊपर उठाना ताड़ासना
तैयार योगी है, दोनों कर्म में डिस्टेंस अनुपात। अब श्वास अंदर भर के साइड में जुड़ना है, बढ़िया सी भी रीट करूंगा दूसरी ओर से। पूरी बॉडी की साइड की स्ट्रेचिंग हो रही है, पूरी साइड अच्छी हो जाती है, साइड की स्ट्रेचिंग राइट लेफ्ट साइड से पूरी स्ट्रेचिंग। देखो बैक पास साइड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग करने से पूरी बॉडी का बैलेंस रहता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस जरूरी है। दोनों हाथ साइड में उठाइए, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाइए, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो ज्यादा आगे मत झुकना, बस इतना ही झुकना, शीर्ष आगे झुक करके कोशिश करो दोनों हाथ जमीन पर टिक जाए और माथा घुटनों से लग जाए, कोशिश करो। थोड़ी देर आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाइए, थोड़ी देर रुको, पूरा पूरा स्ट्रेचिंग करो, थोड़ी देर रुको, इरा दूंगा अंदर भर के थोड़ा रुको, आगे खोल के रखना फिर वापस आ जाओ, इतना ही बोल, फिर कोशिश करना थोड़े से झुकना फिर वापस आ गए। अब बैलेंस के लिए अच्छा अभ्यास है, बॉडी का माइंड का भी बैलेंस होगा, राइट बैल उठाएंगे, बाएं पैर से लगाएंगे, एड़ी ऊपर पंजा नीचे, ऐसे ऐसे लगा लगे, तो बन गया पैर, करो करो जैसे बोलो वैसे करना, जब आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर होता है,
आगे झुक के माथा घुटनों से लगाओ, कोशिश करो। अब दाहिने ना पैर यही रखेंगे, राइट लेग को यही रखेंगे, लेफ्ट पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट लेग पीछे, राइट के ऊपर ऐसे बैठेंगे, ये ऐसे। राइट लेग के ऊपर बैठना, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। हाथ नीचे ही रखो, हाथ ऊपर नहीं लेना। अब राइट भी पीछे झुकते हैं आगे, और ऐसे छाती और ये भी खिला दिए। फिर सामने से उठ गए, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे पूरी स्ट्रेचिंग होती है। फिर बीच से उठा, फिर लेफ्ट आगे, लेफ्ट आगे, लेफ्ट आगे, 90% अच्छा कर रहे हो, लेफ्ट आगे, फिर कमर झुकाओ, कमर झुकाओ, फिर राइट भी आगे, that's good.
और जीते हार्ट ब्रेन बॉडी सब आपका साथ देने चाहिए। आज का पूरा हो गया, कल और एडवांस सिखाएंगे।
अब पांच आसन जवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ठीक है? तो जवान बेटा बेटियों को शीर्षासन भी करना, अभी सीख लो, और जो करना जानते हो कर लेना, हाइपरटेंशन हो तो नहीं करना, हार्ट प्रॉब्लम हो पहले दीवार के साथ होगा, ऐसे पेंसिल एक एक पैर को ऐसे बच्चों को पहले सहारा देके बोल के साथ दीवार के साथ करा देना, इसी में पद्मासन लगा देते हैं। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बड़े भी कर रहे हैं। दिमाग के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए, चेहरे के लिए, चेहरे का ग्लो रहता है इसलिए बरकरार, आंखों पर चश्मा नहीं आता है, बातों की खेती उधर गई है, बाल खत्म हो गए, इसे बाल नहीं झड़ेंगे, बहुत अच्छा है। अगला तो सबको करना है, सब ले जाओ, सब ले जाओ, और लेट करके पैरों को उठाना है, थोड़ा इतना तो सब उठा लेंगे, फिर धीरे धीरे कमर जुड़ जाएगी, कमर के पीछे हाथ लगा देंगे, पैर उठा लेंगे, सर्वांगा कोशिश करो, ये पैर सब उठाओ, कमर भी उठाओ, पेन का फोर्स का कंट्रोल रहेगा, ये सर्वांगासन। अब इसमें पैर पीछे निकालिए तो हो गया हर आसन, वापस आ गए पैर सीधे, सर्वांगासन हर आसन के बाद दोनों पैर मोड़ लिए और दोनों हाथ ऐसे कंधों के नीचे रख दिए और बीच से उठा, रिलैक्स, हर पैर मोड़ लीजिए, सुबह तो लेकर के आएंगे, कल शाम को यहाँ 5 बजे स्टूडेंट्स के लिए और लेडीज के लिए स्पेशल हमने शिविर रखा है, लेडीज के अलग तरह के फिजिकल चैलेंजेस हैं, फैमिली के, सोशल, अलग अलग प्रकार के उनके सामने चैलेंजेस होते हैं, उनसे कैसे बचे और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाए, तो कल शाम को महिला शिविर है और महिलाओं के साथ बच्चे भी आएंगे, सब उनको ऐसे संस्कार देंगे जिससे कि आने वाली पीढ़ी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, वो हमारी अच्छी रहे, ये हमारा दायित्व है, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। तो कल शाम को बहनों के लिए और बच्चों को भी साथ में लेके आएंगे, कल सुबह भी लेके आएंगे, हाँ शाम को हम बांसवाड़ा में जा रहे हैं, एक तो बांसवाड़ा उधर राजस्थान में है, ये तेलंगाना वाला बांसवाड़ा है, उसमें जा रहे हैं आज शाम, तो इसके बाद हम बांसवाड़ा में भी जा रहे हैं इस मंथ के एंड में, वहां पर बड़ा शिविर रखा हमने, वहां वसुंधरा राजे, वहां के जो चीफ मिनिस्टर, उनका वो एरिया है। चलिए आपको मैं बता रहा था, कल जो आज नहीं आ पाए वो भी आएंगे, इतनी सुंदर यहाँ पर एक व्यवस्था और इतना सुंदर शिविर रखा है, 3 दिन तक तो आपको पूरा योगी बना के जाएगी, तो एक बार सभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए जोरदार अभिनंदन, हमारे मीडिया के लिए भी, पुलिस प्रशासन के लिए भी, देखो अंगूठा अंदर, अंगूठिया ऊपर, मुठियां बंद, ऐसे लगा, ये 12 आसन बहुत ही है और सभी को कर सकते हैं, ये तो सबको करना ही करना है, सबको करना है, छोटे बच्चों को भी, बड़ों को, अब तो सब योग का जो बेनिफिट है उससे जो होने वाले लाभ सब जानने लगे, श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर दबाएंगे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, हो
फिर वापस आ जाना। आधा मिनट तक लगभग एक क्वेश्चन को करना चाहिए। ये 12 क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ये 12 भी कर लेना आपने तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पहले ब्रेथ को इनहेल करते हैं, बाद में एक्सहेल कर देते हैं, पेट को पूरा अंदर दबाते हैं। फिर वापस बहुत अच्छा करें, ऐसी थोड़ी देर रुकना। अब बाएं हाथ के सिरे लागू के ऊपर करें। पेट और डायबिटीज, पेट का सेट है, डायबिटीज है, पेट के आपके बीच का सेट प्लीज लेट हो जा। योग के साथ थोड़ा किलोल की गोली खा लेना, जिनको ब्लड प्रेशर है वो सोरेकाई का दूध की लौकी का जूस वाटर बॉटल और बस प्राणायाम शुगर की ओर बीपी को थायराइड की ओर डिप्रेशन सब बीमारियों को आप क्योर कर सकते हैं। आप वापस थोड़ी देर आगे रुकते हैं ना तो पेट पूरा सेट हो जाता है। पेट का सेट, पेट का सेट है तो दिमाग का सेट होगा, दिमाग का सेट है तो फैमिली बिजनेस सब कुछ अपसेट होगा। ये मध्योग आसन के दो अभ्यास, फिर शशक आसन, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, ये पेट के लिए, पेट के लिए, और श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, थोड़ी देर रुकेंगे आगे के। ये तीन आसन हो गया, चौथा
लेफ्ट लेग को बेंड करें, ये मिनिमम योग प्रैक्टिस है, ये तो सबको आनी चाहिए। लेफ्ट लेग को बेंड किया, अब राइट लेग को राइट लेफ्ट लेग के ऊपर ऐसे प्लेस करें, ऐसे बैठ जाए हो सके। लेफ्ट को बेंड किया पहले, राइट को उसके ऊपर रख दिया, ऐसे पैर पर पैर आ गया। अब जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, और दूसरा हाथ पीछे से ऐसे लिया, और पीछे ऐसे पकड़ लेते, कोशिश करते जितना हो सके कोशिश कर। दूसरी ओर से कौन सा पकड़ में आ जाए, पकड़ लेना, नहीं पकड़ में आए तो एक्टिंग तो करो। वैसे कविता जी का पकड़ में आ रहा है, जब तक अपनी पकड़ रहती है ना तब तक बाहर निजामाबाद पर भी पकड़ रहे तो ये अपनी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये गोमुख आसन क्या हुआ बोलो, ये कंधों के लिए गैस्ट्रिक के लिए बहुत जरूरी है। अब बहुत इजी आसन है अगला, उल्टा लेट जाएंगे ऐसे, सब लेट हो, ये तो बच्चे दिन भर करते रहते हैं घर में, ऐसे करते रहते हैं बच्चे ना, ये मकर आसन है, एक एक पैर से दोनों पैर। ये चार आसन अभी बताएंगे, अभी आपको चार आसन तो बैठ के बताए, अभी चार आसन, तीन आसन उल्टे लेट के, सीधा लेट के कमर के लिए, ये 12 आसन कंप्लीट हेल्थ के लिए जरूरी है, सबको करना है और उनको कराना है। आज आपको बेसिक योग सिखा रहे हैं, कल एडवांस ही होगा और फिर परसों और एडवांस मेडिटेशन। 3 दिन में आपका पूरा योगी बनाना है, पूरे योगी, निरोगी, उपयोगी, एक दूसरे के सहयोगी, महान योगी बनेंगे आप। कमर एकदम अच्छी होती है, इससे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। पीछे से पैर की एड़ी छूनी चाहिए, किसी किसी के तो थोड़ा गैप आ गया, अलग अलग बीमारियों के लिए रोग अनुसार योग, कल थेरेपेटिक योग सिखाएंगे। अब भुजंगासन, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर बैठ के सुनेंगे। खराब सड़कों के कारण ज्यादा वजन उठाने से, कमजोरी से, पेट खराब रहने से कमर दर्द हो जाते हैं, फिर से उठाइए। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको भी प्रॉब्लम रहती है कमर, और वैसे भी अब योग शिविर में आ रहे हैं आप, रात को या तो त्रिफला चूर्ण ले लिया करो, या आंवला एलोवेरा का जो चार चार चम्मच गर्म पानी में थोड़ा मिला के पी लिया करो, फिर नीचे आ जाओ। दोनों हाथ थोड़ी, दोनों पैर पीछे मिले हुए, सामने से ऐसे उठा दे, हथेली पर हथेली, और बहुत अच्छा है कमर के लिए, इससे बेहतर कमर दर्द के लिए कुछ भी नहीं। पैर पीछे मिले हुए और सामने से उठा, तो एक एक पैर को उठाए। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर रख दीजिए और ऐसे दोनों तरफ से उठा लीजिए, और ज्यादा ही उठाना हो तो पैरों को पीछे से पकड़ लो, ये सर्वासन के बाद धनुरासन हो जाता है। रिलैक्स, सब सीधे लेट जाओ, सीधे लेट करके कमर के लिए बहुत जरूरी आसन है, इसका नाम है मरकट आसन। ये बहुत जरूरी आसन है, घुटने पंजे पास में दोनों हाथ कंधों के बराबर, जो इसको कर लेगा जिंदगी में कमर दर्द नहीं होगा, और है तो मिट जाएगा। अब दाईं तरफ पैर को झुकाएंगे, बाईं तरफ कर दर्द, यह अभ्यास। फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर दूसरी ओर से कमर के लिए बहुत अच्छा है, इसको मरकट आसन कहते हैं। आजकल जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी कमर के लिए एक्सरसाइज बताएंगे तो ये जरूर बताएंगे।
कोई मॉडल्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, आपका कैरियर ही गड़बड़ हो जाता है। पूरी स्ट्रक्चर को, करेक्टर को करेक्ट करता है, घुटने पंजों में फंस रहा डिस्टेंस, और फिर दाई तरफ करो को झुका है, बाई तरफ करता है। ऐसे ये मरकट आसन का दूसरा अभ्यास डिस्टेंस के साथ। अब पैर सीधे, दाहिना पैर ऊपर उठाएंगे, अब दोनों पैर सीधे, राइट लेग को ऊपर उठाएं, लेफ्ट साइड पे लेकर के गए जितना हो सके आप, उसी साइड में ऐसे लीजिएगा। इससे कमर का बहुत अच्छा व्यायाम होता है, स्ट्रक्चर बैलेंस पूरा। गर्दन अपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में लेंगे तो राइट साइड में नी को ऐसे बेंड करके रखते हैं, फिर पैर को वापस किया, फिर दूसरी ओर से पैर को उठाया और अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के आए। ये इतने पोस्चर तो सबको आने ही चाहिए। गर्दन विपरीत दिशा, पवन मुक्तासन। जिनको कमर में दर्द है वे सिर नहीं उठाना, एक एक पैर से दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। जिनसे दोनों से ना हो पाए एक एक से कर लेना। एक एक पैर से दोनों पैरों से कमर में दर्द है तो खाली ऐसे पैर को दबाना। मैं कह रहा था पेट साफ होना चाहिए, त्रिफला चूर्ण रात को ले लेना, आंवला लेकर दूध ले लेना, खाना चबा चबा के खाना, पपीता, पपाया, अमरूद, गोवा, अनार, दाड़ी, पेट के लिए और पेट के लिए। एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे ऊपर उठाना, नीचे ले गया। ये ओबेसिटी के लिए पूरा पैकेज तो कल बताएंगे, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, डिफरेंट डिजीज के अकॉर्डिंग, ज्यादा खाने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन चला जाता है, उससे वेट बढ़ता है, थायराइड के कारण से, ओवर ईटिंग से, लेस फिजिकल एक्टिविटी से, और सोने जागने खाने का कोई ठिकाना नहीं। आप दोनों पैरों को एक साथ मिला के ऐसे घुमाना, अथवा ये अभ्यास पूरे हुए, 12 पॉज हो गए। डेली योग प्रैक्टिस के लिए इतना योग जरूरी है। फिर जिनका पेट खराब है, बहुत तकलीफ है पेट में, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन, दोनों पैरों को मिला के ऐसे उठा के रखना, उठा दिया, श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर दबा दिए, जिनका पेट खराब रहता वो ये कर दिया। फिर लास्ट पेट के लिए पादांगुष्ठ आसन, पैर को ऐसे खींचा, दोनों हाथ के उंगली को सलोक किया, जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनको एक एक पैर से करने में दिक्कत आएगी, दोनों से तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। उम्र के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाए। करूं
आगे झाड़ो ये गलियों थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। मैं बोलता था ना थायराइड प्योर हो जाता है, टी3 और TSH का बैलेंस हो जाता है। रिलैक्स रिलैक्स, बस बस ज्यादा मत झाड़ना नहीं तो फिर गला ज्यादा ही खराब हो जाएगा। तो आपको अभी बता रहे थे सिंहासन, ये गले के लिए अच्छा है, फिर गले की थोड़ी ऐसे मसाज कर लाल लीवर से सलाइवा कर लेते फिर गले के लिए थायराइड के लिए। अब सारी बीमारियों का एक मेन कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए ऐसे तो सभी योगाभ्यास अच्छे हैं, एक उसके लिए होता है हाथ से योग। जरा हाथ उठा करके दोनों आनंद से मस्ती से खुशी से करते थे तो दांत बहुत अच्छे होते थे। लोगों ने
बीच में एक कोलगेट नाम की कंपनी आई, उसने बोला ये दांतों में जो आप नमक लगाते हो, हल्दी लगाते हो, चारकोल कोयला होता है उसको लगाते हो, ये बोले ये अच्छा नहीं है, ये हमारा टूथपेस्ट है। फिर उन्होंने देखा ये तो हमने झूठ बोल दिया। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एड निकाला था पतंजलि के दंत कांति ने उनका क्लोज कोलगेट के गेट बंद कर दिया। तो बोले क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, हल्दी है, नीम है? अरे हमारे में तो सब कुछ है, तुम्हारे आप क्या हाल है वो तुम देखो। हम लोगों ने अपनी चीजों को भुला दिया था। पतंजलि ने दोबारा आपको प्रकृति से जोड़ा, आपसे जोड़ा, अपने देश से जोड़ा, अपने संस्कृति सभ्यता से जोड़ा, स्वदेशी से आपको जोड़ा। तो दांत साफ करने हैं तो दांत के लिए अच्छी चीज से दांत साफ करो ना। दांतों में भी केमिकल, आंखों में भी जो आप माताएं बहनें काजल लगाते हैं उसमें भी केमिकल, चेहरे पर क्रीम लगाते हैं उसमें भी केमिकल, शैंपू में भी केमिकल, साबुन में भी केमिकल, केमिकल केमिकल क्यों भाई? हमने केश कांति बिना केमिकल वाला वो पूरा नेचुरल शैम्पू आपके लिए बनाया, नेचुरल 100% नेचुरल एलोवेरा जेल आपके स्किन के लिए बनाया। एलोवेरा जेल लगाओ, स्किन आपकी 100 साल तक ऐसे रहेगी जैसे आप माँ की कोख से पैदा हुए थे, बच्चे जैसा एकदम ग्लोइंग स्किन आपका रहेगा, ब्यूटीफुल स्किन, नेचुरल स्किन रहेगा। एलोवेरा जेल लगाना, एलोवेरा जूस पीना। मैं कह रहा था केश कांति, दंत कांति, साबुन, शैंपू, ये सब नेचुरल यूज करना। हाँ, अपने बाथरूम में, अपने किचन में ये सब केमिकल्स को हटाओ। केमिकल से रिफाइंड कर देते ऑयल को, उसमें कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट बचता ही नहीं, सब उस रिफाइंड ऑयल हेल्थ के लिए सबसे डेंजर है। इसलिए सबसे अच्छा है सेहत के लिए घी। ये मैं नहीं, अब वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट और डॉक्टर बोले, पिछले दिन 15,000 डॉक्टर्स की मीटिंग हुई अमेरिका में, सबने बोला नेट के ऊपर जाकर के खोज कर ले, सारे दुनिया के हार्ट के 15,000 करीब डॉक्टर इकट्ठे हुए, सबने बोला हार्ट के लिए, हार्ट के लिए सबसे अच्छा है घी, और घी में भी गाय का घी। इसलिए हमने पतंजलि गाय का घी सबसे पहले, गाय के घी को ब्रांडिंग करने वाला कोई है तो पतंजलि है, नहीं तो लोग गाय का घी खाना भूल गए। हमने गाय के घी की ब्रांडिंग की और अच्छी ब्रांडिंग की, अच्छी चीजों की ब्रांडिंग हम करते हैं, घटिया चीजों की नहीं। गाय का घी खाओ, ये नहीं तो नेचुरल ऑयल सबसे अच्छा होता है, ग्राउंडनट ऑयल सबसे अच्छा होता है, कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा होता है, फिर ये तिल का तेल, सेसमे ऑयल, सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, नेचुरल ऑयल सबसे अच्छा। और ये ओलिव ऑयल की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, ओलिव ऑयल से ज्यादा अच्छा है मस्टर्ड ऑयल, ओलिव ऑयल से ज्यादा अच्छा है सेसमे ऑयल। क्या विदेशों से आ रहा है ना, अरे हर चीज विदेशों से आती अच्छी थोड़ी होती है। अब आजकल हमने कुत्ते, गधे, घोड़े ये भी विदेशी पालने शुरू कर दी। अपना देश का अच्छा कुत्ता होता है, अच्छा गधा होता है, अच्छा घोड़ा होता है, अभी थोड़ी देर में तो बहू भी विदेश से लाने लगो। अरे अपने देश की बहू बेटी अच्छी होती है, अपने देश का माँ बाप अच्छा है, अपने देश को प्यार करो। गाय का घी नेचुरल ऑयल, और रिफाइंड ऑयल खाना है तो फिजिकल रिफाइंड ऑयल, हमने फिजिकल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, नेचुरल कुछ चीजें कभी मत लाना, केमिकल रिफाइंड ऑयल में कभी नहीं लाना, बालों में लगाने में उसमें एक ऑयल होता है मिनरल ऑयल वो कभी नहीं लाना, मैदा वाली चीजें कभी नहीं लाना, कुछ चीजें कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए घर में। ऐसा एक अपने घर का रूल बनाइए, एक डिसिप्लिन बनाइए। फिर नाश्ते में हो सके तो फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्रूट्स लो, सूप लो टमाटर का, या फिर आपको खाना है तो ओट्स लो, या दलिया खाओ, या अंकुरित लो सबसे अच्छा है। और जो मोटे मोटे भाई बहन है ये तो सब अनाज बंद कर दो, लौकी का सूर्यकाई का जूस, नाश्ता हल्का लो, पेट अच्छा है। जिनका पेट बहुत खराब रहता है दाड़म और एप्पल सेब, ये फ्रूट खाने से पेट लोग बिल्कुल ऐसा ठोक ठोक के भर देते हैं और इतने जल्दी जल्दी खाते हैं जैसे चोरी का माल खा रहे हैं। खाते समय किसी किसी को माथे पर पसीने, सिर में पसीने, बेहोश से हो जाते हैं खाते खाते, पागल से। अरे आराम से खा ले भाई, धीरे धीरे खाना, चबा चबा के खाना, देर से मत खाना। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, खाने के बाद पानी तुरंत नहीं पीना, भोजन अंते विषमवारी, खाने के तुरंत बाद पानी पीना विष के समान। रात को दूध लेना, रात को दही छाछ नहीं, दही छाछ कॉल नहीं लेना, मजीगे छाछ
ये तकरक नहीं लेना, हाँ रात को नहीं, सुबह दोपहर, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, खाने में चबा चबा के खाना, खाने में 50% करीब आपका वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स मतलब कच्चा खाना होना चाहिए, बिना पका हुआ ऐसा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चेंज करो। और दोपहर का खाना मीठा खा, शाम को खाना भी थोड़ा हल्का लो, सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा हल्का लो, ऐसे ही खाने पीने में थोड़ी सावधानी रखना और अपनी प्रकृति को वातर पित्त कफ प्रकृति को देख के खाना। जोड़ों में दर्द है तो खट्टी चीज और दही बिल्कुल नहीं लेना, अर्थराइटिस है, बॉडी पेन है, जॉइंट पेन है, दही छाछ नहीं, खटाई कोई भी खट्टी चीजें नहीं खाना, हल्दी मेथी सोड का पाउडर खाओ, वाताली सोड खाओ, एलोवेरा पियो, इस तरह अर्थराइटिस दूर है। किसी को कफ अस्थमा है तो ये कभी मत लेना, घी नहीं लेना, घी वो ठंडा चीज नहीं, पानी भी ठंडा नहीं पीना, कफ एलर्जी है तो क्या पीना, गिलोय, गिलोय तो अद्भुत है ये, इसको दीपतिका, गिलोय, गुड़वेला, अमृता अलग अलग नामों से जानते हैं। मैं तो कहता हूँ आयुर्वेद की 5-7 चीजें ये इधर भी होती है पूरा, ये हम सब जगह पूरे देश में बताते हैं, ये है गिलोय, इसको दीपतिका बोलते हैं साउथ में, कहीं गुड़वेल बोलते हैं, कहीं अमृता बोलते हैं, कहीं अमृता बल्ली बोलते हैं, अमृता बल्ली, गुड़वेला, गिलोय, गड़ो, अमृता नाम है इसका संस्कृत में, यह अद्भुत है, किसके लिए, एलर्जी के लिए, अस्थमा के लिए, प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, वेट को घटाने के लिए, डायबिटीज को मिटाने के लिए, ये रोज ले लो, गिलोय पियो, आंवला एलोवेरा का जूस पियो, गिलोय की गोली और आंवला का जूस भी हमने रख रखा है, गिलोय की गोली भी खा सकते हो, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी हल्दी लहसुन ये सुबह सुबह खाली पेट लेना चाहिए, इससे पूरा पूरी क्लीन हो जाता है। तो कह रहा था वात पित्त कफ, पित्त के लिए मैंने बताया एलोवेरा और ग्रीन ग्रास लेना, कफ के लिए गिलोय नहीं तो स्वास्थ्य थोड़ा ले लेना, दूध में हल्दी ले लेना, आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपको थोड़ा सा लाइफ स्टाइल के बारे में बताया, थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में बताया, जिनको डायबिटीज है मधुनाशिनी दो दो गोली सुबह शाम खाली पेट और गिलोय की दो दो गोली, बीपी है तो मुक्तावटी, हार्ट की प्रॉब्लम तो हृदय में तर्जुन की छान, छोटी छोटी चीजें, कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिपुरा चूर्ण, एसिडिटी है तो अभिपत्ति का चूर्ण, छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपकी मिल जाती है। और किसी को बहुत कॉन्स्टिपेशन और ओबेसिटी है तो गोमूत्र का अर्थ पी लो, ये औषधि है, अद्भुत था। ऐसे बहुत सी चीजें आपको तीन दिन में बताएंगे, आज बहुत से स्टूडेंट भी आए, कुछ तो स्कूल वाले बच्चे पूरे अपने टीचर्स के साथ ही आए, प्रिंसिपल्स के साथ आए, एक बार स्टूडेंट्स का भी फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है, और सबको कल बच्चों को लेकर के आना है, बच्चों को स्कूल में फिर 7:30 बजे के बाद उनको स्कूल भेज देना, और कल शाम को तो माताएं बहन बच्चों को साथ लेकर के आएंगे, कल स्पेशल लेडीज के लिए शिविर है और उसमें भी मैंने कविता बहन जी को भी बोला है वो भी आएंगी, क्योंकि लेडी सांसद है हमारी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कल शाम को बहनों का शिविर है उसमें सबको आना है, जो आज नहीं आए उनको कल लेकर के आना है, आज जो नहीं बताया उसको कल बताना है, आप सबको खड़े होकर के आराम से अब जाना है, और जाते जाते खड़े हो जाओ, अब कल दाएं बाएं आगे पीछे उसको पूरा कवर कर देंगे और हम करीब 4-5 हजार लोगों को एकोमोडेट कर लेंगे, आप आए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जाते जाते एक भजन सुनते हुए जाएंगे और कल सुबह 4:45 बजे आएंगे, हम लोग बिफोर 10 शुरू कर देते हैं थोड़ा, है ना। तो ओम ओम भोले मनवा, ओम ओम भोले, ओम ओम भोले मनवा, ओम ओम भो, तू जगह जगह ना ढोले मनवा, जगह जगह
कार्यक्रम यहीं पर पूरा करते हैं। आप सब अब दिन भर जैसे मैंने बताया खान पान का ध्यान रखेंगे, दिन भर खुश रहेंगे, और कल सुबह हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई बहन, मुझे खुशी है यहाँ पर वहां से मुस्लिम भाई भी आए हैं, क्योंकि सबका बॉडी तो एक जैसा है, सबके भीतर सोल तो एक ही जैसा है, और बीमार पड़ जाते हैं तो दवाई तो एक जैसी लेते हैं, बीपी शुगर थायराइड की, तो योग करेंगे तो दवाई की दरकार ही नहीं रहेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सब करोड़ भी अपने हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलकर के, और बहनों की संख्या भी आज अच्छी थी, लेकिन आपको कल और अपनी सहेलियों को साथ में लेके आना है, आपका एरिया थोड़ा खाली था, भाइयों का फिर भी भरा हुआ था, तो कल बहनों को भी और अधिक संख्या में साथ में लेकर के आना, अभी सभी को जाना है। दिन में किसी को बड़ा प्रॉब्लम है तो हमारे वैद्य किधर बैठे हुए, लेफ्ट साइड कहां पर कॉर्नर के ऊपर हमने यहां पर जगह बनाई है, तो जिनको कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, लीवर की, किडनी की, हार्ट की, डायबिटीज की, कैंसर की, आर्थराइटिस की, गाउट की, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो दिन में वैद्य हमारे हरिद्वार से बहुत सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ आए हैं, तो योग के साथ आयुर्वेद का भी कैंप यहाँ दिन भर चलता है, तो उसमें आप अपने बीमारियों का समाधान भी पा सकेंगे। तो एक बार फिर से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, अपने प्रारंभ में ही अपने मीडिया के बंधुओं को भी बोला, एक बार उनको हमारे मीडिया के बंधुओं का फिर से एक बार जोरदार वाले, नहीं तो मीडिया वाले भी सुबह 9 बजे उठते हैं, सूर्यवंशी है सब सूरज उगने पर उठते थे, आज सब जल्दी उठ करके आए, और कल भी ऐसे उठ करके आना है। एक बार हम अपने आयोजकों में भाई पवन कुमार जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया, हमारे पवन कुमार केलिया जी का, कैलाश जी, धनपाल सूर्य नारायण जी, दी सत्यनारायण जी, ओम सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई। ये छोटा भाई क्या नाम है, सुशील, तो पवन कुमार और सुशील केलिया के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये आज के हमारे मुख्य आयोजक हैं, और सभी हमारे लाइफ मेंबर जिन्होंने पतंजलि में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, पतंजलि में लोगों ने प्राण दिया, उसी से हमने पतंजलि योगपीठ बनाया, हमारे पास कोई दादा लाई, कोई 100-200-500 साल पुरानी कोई पीठ नहीं थी, कोई शंकराचार्य की पीठ, कोई सिद्ध पीठ, हमने तो योगपीठ बनाया, और देश के लोगों ने हमको इतना सहयोग किया कि हम अभी तक पतंजलि की तरफ से 11,000 करोड़ रुपए की चैरिटी कर चुके हैं, 11,000 करोड़ रुपए की चैरिटी योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में, और अभी 1,00,000 करोड़ रुपए की चैरिटी करना है, आप सब उसके लिए सहयोग कर रहे हैं। ये जो श्रीधर खड़ाई था जी हमारा प्रभारी भी है, और इसने भी अभी तक करीब 2 करोड़ रुपए का डोनेशन पतंजलि योगपीठ को दिया, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। जब हर्ष स्वाभिमान ट्रस्टी भी बनाया तो सबसे पहला 1 करोड़ का डोनेशन इसी ने दिया, और अपना पूरा लाइफ ही कि ये हमारा योग अध्यात्म जो इंडियन कल्चर हमारा ऋषि संस्कृति है ये आगे बढ़े, इसके लिए पूरा डेडिकेटेड है भाई श्रीधर राव और हमारे सारे कार्यकर्ता, सबके लिए अभिनंदन। कल 4:45 बजे आपसे मिलेंगे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।